आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी बीएड सेकंड ईयर के 2023 के मैथ के सेकंड क्वेश्चन पेपर में आने वाले गेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। बीएससी बीएड सेकंड ईयर 2023 के बाकी सभी सब्जेक्ट के गेस्ट क्वेश्चन पेपर की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। बीएससी बीएड से जुड़ी ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कोई भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन हब को ज्वाइन कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। इसमें टॉपिक है विभाजन का शोधन, रिमांक समाकल, क्षेत्र तथा कर्मित क्षेत्र, ऊपरी डार्बू योग व निम्न डार्बू योग, क्रम अभिग्रहित, अनुक्रम का सीमा बिंदु। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्न के बारे में बताइए। इसमें टॉपिक है कोशी अनुक्रम, वास्तविक संख्याओं का निरक्षेप मान या मापांक, फलन के उच्चक व निम्नक, रोल प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ, लांगराज का प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ, अनुक्रम का अभिसरण। फिर तीसरा क्वेश्चन है, समाकलनीयता की रिमान कसौटी लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, एक दिष्ट वर्धमान तथा एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम को परिभाषित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, कोशी के अभिसरण का सामान्य सिद्धांत लिखिए। छठा क्वेश्चन है, वाइस्टोक एम परीक्षण लिखिए। सातवां क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई कर्मी क्षेत्र एफ के अवयव हो तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू ग्रेटर देन बराबर है एक्स वाई के। आठवां क्वेश्चन है, एक समान अभिसरण के तुलना परीक्षण व एबल परीक्षण को लिखिए। नौवां क्वेश्चन है, प्रथम प्रकार के अनंत समाकलन के अभिसरण का एवल तथा डिरिचलेट परीक्षण लिखिए। दसवां क्वेश्चन है, कोशी मध्यमान परिमेय का कथन एवं ज्यामितीय अर्थ लिखिए। तो ये थे सेक्शन ए में आने वाले क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेक्शन बी में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न समाकलन के अभिसरण की जांच कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक समान अभिसरण के लिए एक श्रेणी का परीक्षण कीजिए जिसके एन पदों का योग एक्स एन एक्स है, जहां एक्स एन एक्स बराबर एन एक्स वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी एक समान अभिसरण श्रेणी है, तो सिद्ध करना है। चौथे में पहला है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय है। फिर इसमें अगला है, सिद्ध कीजिए, तो यह सिद्ध करना है। तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम दो को अभिसरित होते हैं, तो इन्हें सिद्ध करना है। पांचवे में पहला है, प्रत्येक एक दिष्ट फलन आर समाकलनीय होता है। फिर दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि रूट आठ अपरिमेय संख्या है। तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि किसी भी परिमेय संख्या का हान तीन नहीं है। छठा क्वेश्चन है, यदि ए कोमा बी दो ऐसी परिमेय संख्याएं हैं कि रूट ए प्लस रूट बी एक परिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि रूट ए भी अपरिमेय संख्या है। सातवां क्वेश्चन है, यदि पी वन पी टू उपस्थित है पी ब्रेकेट ए कोमा बी, तो सिद्ध कीजिए, तो यह सिद्ध करना है। अर्थात निम्न डार्बू योग किसी भी ऊपरी डार्बू योग से अधिक नहीं होता। फिर आठवां क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स एक्स उपस्थित है जीरो कोमा एक, तो सिद्ध कीजिए एफ उपस्थित है आर जीरो कोमा एक तथा समाकलन लिमिट है जीरो से एक एफ एक्स डी एक्स बराबर वन बाई टू। नौवां क्वेश्चन है, फलन एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए निम्न लांगराज मध्यमान परिमेय के रूप में थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें थीटा का मान ज्ञात करना है। दसवें में पहला है, प्रदर्शित कीजिए कि समीकरण e की पावर x cos x बराबर 1 के किन्हीं दो मूलों के मध्य e की पावर x sin x 1 का कम से कम एक मूल विद्यमान है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न फलन का उसके सम्मुख प्रदर्शित अंतराल के लिए रोल प्रमेय का सत्यापन कीजिए, तो इसमें रोल प्रमेय का सत्यापन करना है। तो ये थे सेक्शन बी में आने वाले क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेक्शन सी में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि फलन एफ जीरो कोमा पाई बाई फोर पर निम्न प्रकार परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए, तो यह सिद्ध करना है। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि यह अभिसारी है। तीसरा क्वेश्चन है, किन्हीं दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्या होती है। चौथा क्वेश्चन है, लांगराज मध्यमान परिमेय का कथन स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, कोशी के अभिसरण के सामान्य सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है, जहां एक्स एन बराबर
वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर डैश 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 प्लस माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू में वन बाई एन। तो ये थे सेक्शन सी में आने वाले क्वेश्चन और बीएससी बीएड सेकंड ईयर के मैथ के सेकंड क्वेश्चन पेपर का गेस्ट क्वेश्चन पेपर। इस गेस्ट क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है।